लीप के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी तेजो। जी हाँ, ये है तेजो का मैच्योर लुक। देख लीजिए किस तरीके से बहुत ही लॉन्ग स्लीव के ब्लाउज में नजर आ रही है, जूड़े में नजर आ रही है। तो तेजो लीप के बाद दिखने वाली है कुछ ऐसी। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। उड़ारियाँ के लीप की बात सामने आ रही है, 5 साल का लीप आने वाला है और लीप के बाद जो है तेजो और फतेह की बेटी दिखाई जाएगी। अब ये बेटी ये वही है जैस्मिन की चुराई हुई बच्ची या फिर खुद तेजो और फतेह की, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लीप के बाद की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आएगी, जहाँ पर तेजो और फतेह अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे और बच्ची भी बड़ी हो रही है। ये सब कुछ देखने के बाद आप सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि लीप के बाद शो के बंद होने की बात सामने आ रही है और जैसे ही ये बात सामने आई है फैंस बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं, क्योंकि फैंस जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अभी जो है उड़ारियाँ बंद हो, क्योंकि फैंस को अभी देखना था तेजो और फतेह का रोमांस, देखना था जैस्मिन की बर्बादी। तो आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें तो आप सब देखने ही वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ जो शो है वो अब बंद इस वजह से हो रहा है क्योंकि शो में अब कोई ख़ास कहानी नहीं बची है। हालांकि फैंस को ऐसा लगता है कि कहानी और भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लीप के बाद भी कहानी अच्छी चलती है। तो ऐसे में मेकर्स क्यों लीप के बाद ये शो बंद करना चाहते हैं? अब ये बात भी है क्योंकि मेकर्स की तरफ से फ़िलहाल कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जो उड़ारियाँ शो है वो बंद होगा। क्या ये सिर्फ एक TRP स्टंट है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्टंट इस वजह से किया गया है ताकि जो है फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस सीरियल को दोबारा देखें? क्या इस वजह से ये सब कुछ किया गया है? हालांकि अभी तक यही लग रहा है कि शो जो है वो अफेयर होगा, लेकिन अफेयर होने से पहले फैंस को उड़ारियाँ में काफ़ी मज़ा आने वाला है, जिसके बाद फैंस जो है उड़ारियाँ को बहुत मिस करने वाले हैं। और लीप के बाद तेजो का ये मैच्योर लुक दिख रहा है, आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर जूड़े में नज़र आ रही है, प्रॉपर साड़ी में नज़र आ रही है। और लीप के बाद तेजो और फतेह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नज़र आने वाले हैं और तेजो और फतेह को देखकर आप सबको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और साथ ही साथ विर्क फैमिली जो है वो भी काफ़ी खुश होने वाली है तेजो से। तेजो और फतेह की ज़िंदगी आगे कुछ इस तरह से चलने वाली है। बात करें जैस्मिन की, तो जैस्मिन का जो हाल होने वाला है वो भी आप देखेंगे लीप से पहले ही पहले, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे जो जैस्मिन है उसको उसके पापों की सज़ा मिली है और वो वापस जब मोगा लौटेगी तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि वो मोगा नहीं बल्कि वो कनाडा में ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती नज़र आने वाली है और वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो चाह कर भी तेजो को कॉल नहीं कर सकती, वो चाह कर भी अपने घर में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि वो अपनी ही जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी है। और ये सब सोचने के बाद अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा घुटने वाली है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें ही की थी और ये सब कुछ जो उसकी हालत हुई थी, क्योंकि उसको ये भी पता है कि हो सकता है बच्चे वाला भी सच सबके सामने आ चुका होगा, क्योंकि वो ये जानती है कि तेजो जो है वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी। और वो ये जानती है कि अगर बच्ची का सच जो है सबके सामने आ गया होगा तो वो कहीं की भी नहीं बचेगी। और आप खुद देख लीजिए किस तरीके से उसने निर्णय लिया है और वो जो है वो मोगा छोड़कर भाग गई और वो कनाडा चली गई। उसे ऐसा भी नहीं लगा कि क्या हो सकता है उसके साथ, उसे सिर्फ कनाडा जाने का सपना था। तभी तो देख लीजिए ना, उसने तीसरी बार शादी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यश जो है वो शादी करता नज़र आया है जैस्मिन के साथ, बदला लेने के लिए। जो यश है वो बोलता नज़र आता है कि आपकी बहू है मम्मी, यानी कि जो यश की मम्मी होती है वो बहुत गुस्से में दिखती है और कहती है कि इसे कनाडा के नज़ारे ज़रूर दिखाना। अब माना जा रहा है कि जो यश है वो गिप्पी का भाई हो सकता है और ये जो गिप्पी है वो हो सकता है मनीषी हो। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक पर है। और फिलहाल तेजो का ये मैच्योर लुक आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। bollywood.tv से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।